आज की इस वीडियो में गुरुजी ने बताया कि अगर आप जिम में जाके ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं या सही में हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं तो उसको कैसे पता लगाए। अगर आप सही में वर्कआउट अच्छे से कर रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो गलत है, तो उसको जानते हैं। अगर आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो तो उसको कैसे जाने, तो आइए इस वीडियो में जानते, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों इस तरह की लिफ्ट जिम में, इसको हम बोलेंगे ईगो लिफ्टिंग, जब आप श्योर नहीं होते कि पता नहीं वेट उठेगा या नहीं उठेगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते हैं, सभी सेकेंडरी मसल्स को भी यूज कर लेते हैं और जैसे तैसे मोमेंटम लेके बॉडी का, या आपने बस वेट उठाना से मतलब है, आपकी मेन मसल पे कितना लोड आया, सेकेंडरी मसल्स ने कितना लोड लिया आपको बिल्कुल नहीं पता हो, आपको लगता है बस चार आदमी आपको देख रहे हैं, आपने जैसे तैसे करके वेट उठाना है, इसको बोलते हैं ईगो लिफ्टिंग। और जब आप श्योर होते हैं ना कि हाँ ये वेट तो मैं लगा दूंगा, आप सही पोस्चर में जिस मसल की ट्रेनिंग करते हैं उसी मेन मसल को ज़्यादा यूज करके आप जो लिफ्ट करते हैं वो तो है लिफ्टिंग, लेकिन जब जैसे तैसे करके वेट उठाने की बात है तो वो है ही वो लिफ्टिंग। कोई नहीं देख रहा भैया आपको जिम में, सब अपनी ट्रेनिंग करने आए हैं, आगे 200-250 किलो लगाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेकार में आप इंजर्ड होके बैठ जाएंगे। तो ऐसी लिफ्ट में ना जाएं जिसमें आप खुद ही श्योर नहीं है, और अगर जाएं भी तो पीछे स्पोर्टर को जरूर खड़ा करें, खासतौर से स्क्वाट में, बेंच प्रेस में। डेडलिफ्ट तो चलो फिर भी आप छोड़ देंगे नहीं उठा तो, लेकिन जाना क्यों ऐसी लिफ्ट पे? मैं फिर से बोलता हूँ, जब आप श्योर होते हैं कि मैं इसका जितने रैप आपने डिसाइड किए वो लगा दूंगा तब तो है सही, आप श्योर नहीं होते तो फिर आप सेकेंडरी मसल को ज़्यादा यूज करके बॉडी का मोमेंटम लेके उठाते हैं, उसी से इंजरी होती है। तो कोई ज़रूरत नहीं जो ईगो लिफ्टिंग करने की, आप अपनी ट्रेनिंग करने आए हैं, किसी को चमकाने के लिए नहीं आए जिम में, ना किसी को फ़र्क पड़ता है आपकी 10-20 किलो ज़्यादा उठाने से, तो अपने लिए, अपनी मसल्स के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपने पोस्चर के लिए, आप खुद के लिए वेट उठाएं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ट्रेनिंग के लिए आए हैं, आप सेल्फिश हो गए अपने।